हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फूड फूड जी पे। और आज मैं आया हूँ रुद्रपुर के दक्ष चौराहे पे चंपारण मीट हाउस पे। आपको दिखाने वाले हैं मटन स्टो, और ये 4 घंटे का समय लगता है पकने में। और दिखाते हैं रुद्रपुर के दक्ष चौराहे पे चंपारण मीट हाउस, और ये भाई साहब बनाते हैं, और आज आपको दिखाते हैं रेसिपी। कौन सा रेसिपी है सर? ये मटन स्टू है। अच्छा, और भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमरेंद्र सिंह हुआ। अमरेंद्र सिंह जी बनाते हैं, और लोगों ने तारीफ किया तो आए हैं आप लोगों के लिए एक इसमें ब्लॉग बनाएं और आपको दिखाएं मटन स्टू। देखिए दोस्तों, और फिर आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है। भाई साहब ये कौन सा ऑयल डालते हैं आप? ये सरसों का तेल है। अच्छा, तेल ठीक है। अब क्या डालने वाले हैं? ये सर तेज़पत्ता डाल रहे हैं। तेज़पत्ता, और ये हमने डाल दिया इसमें दालचीनी। दालचीनी जी। अब इसको थोड़ा सा पक लेंगे। अच्छा, कम आँच में। हाँ, कम आँच में, कि मसाले जले ना। धीरे धीरे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये क्या है? ये जीरा है सर। अच्छा, जीरा डाल रहे हैं जी। जीरा चटक जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन डालेंगे जी। इसमें हम लहसुन डालेंगे, इसको हमने हल्का दरदरा पीस लिया है। अब इसको थोड़ा, इसको हम सुनहरा लाल करेंगे। लगभग कितना टाइम है ये? 5 से 7 मिनट। और ये कितनी क्वांटिटी में मीट डालोगे इसमें? सर ये 6 किलो मीट डालेंगे। 6 किलो। ये देखिए दोस्तों, प्याज को पहले ही काट लिया गया है। भाई सर ये कितना किलो है? सर ये 6 किलो मीट के लिए हमने 4.5 किलो प्याज काटा। 4 किलो प्याज, 6 किलो मीट जो है हल्का हल्का अब सुनहरा कलर हो गया है। अच्छा, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालेंगे अब जी। 4.5 kg प्याज, 6 kg मीट पे है जी। अदरक का टुकड़ा डालेंगे काट के। अच्छा, कटा हुआ अदरक जी। ठीक है, डालिए। ये लगभग 250 ग्राम है। 250 ग्राम जी। मसाले में हम अभी ये डाल रहे हैं बड़ी इलायची और छोटी इलायची। हाँ, तो साथ ही साथ ये खड़ी लाल मिर्च डाल दी। लाल मिर्च जी। ये प्याज के साथ साथ जो अपना टेस्ट है वो इसमें छोड़ेगा। अच्छा, यही मेन होता है। उसके बाद अब कम से कम हम इसको डेढ़ घंटे तक भूनते रहेंगे। एक तरीके से मीट का मसाला हो गया जी। अभी जो हम अपना हमारा सीक्रेट मसाला है। अच्छा, वो ये है। ये सीक्रेट है, ये हम मीट के साथ डालते हैं। ठीक है, जो उसी के साथ भूनता है। ठीक है, ठीक है। अभी आप क्या ये नमक डालने वाले हैं? जी, अभी हम इसमें नमक डालने वाले हैं, इससे प्याज थोड़ा जल्दी गलता है। ये सर पूरा जो है हमारा प्रोसेस जो है वो 1.5 घंटे का चलेगा। 1.5 घंटे जी। कम आँच में ये प्याज में जलाते रहें जी, जब तक कि प्याज एकदम गल ना जाए और सुनहरे कलर का ना हो। इसमें सर हम पूरा टोटल जो है खड़े मसाले का यूज करते हैं। अच्छा, लगभग 17 तरह के मसाले होते हैं जी। और लास्ट में फ्लेवर के लिए हम मीट मसाला मिलाते हैं। बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम मटन डालेंगे। अच्छा, ये लगभग कितना टाइम हो गया है? ये 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा धीमी आँच में है। धीमी आँच में, ठीक है। अब मटन पड़ने वाला है। ये हमने मीट को एकदम वॉश कर लिया है। ये दोस्तों मीट को अच्छी तरह धो लिया गया है, देखिए। ये अब हम इसमें भगवान में ये पतीले में डाला जा रहा है। नहीं सर, ये अभी लगेगा आपको 3:30 मिनट।
ये भाई साहब 6 kg है ना? जी 6 kg। ये भाई साहब खस्सी है ना? हाँ जी, ये फिर खस्सी है, हम सामने कटवा के लाते हैं। आप सामने कटवा के लाते हैं? हाँ जी, डेली कटवाते हैं, सामने फिर लेते। भाई साहब ये लगभग कितना समय हो गया आपको इस दुकान में? हमें सर लगभग 6-6.5 महीने के आसपास हो गया। देखिए दोस्तों, 6-6.5 महीने खाने के लिए लोग पहले से बैठे होते हैं। ये भाई साहब देखिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बने। ये देखिए भाई साहब, आप लोग तो पहले भी आए हैं यहाँ पे, तो इनका टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया है, तभी आप पहले से वेट कर रहे हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। खासकर हांडी में संभव नहीं है कि घर पर बना पाना। हाँ, तो हांडी का जो मटन है बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। हमारे यहाँ 2-2.5 किलोमीटर तक होम डिलीवरी की भी सुविधा। अच्छा, आप होम डिलीवरी भी करते हैं? हाँ जी। ठीक है, हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। अच्छा, कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, कश्मीरी मिर्च। हाँ जी, हमारा खुद का बनाया हुआ मसाला होता है। अच्छा, ये हमारा सीक्रेट मसाला है। सीक्रेट मसाला है जी। ठीक, अब हम इसको ये लास्ट में हम इसको डालते हैं, और ये मीट के साथ साथ ये धीमी आंच पे भुनता रहता है, और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसमें मटन का। अच्छा, मटन मसाला अलग से फ्लेवर के लिए, फ्लेवर के लिए डालते हैं। ये दोस्तों सब मसाला पड़ गया इसमें, और भाई साहब अब इसको धीमी आंच में हिला रहे हैं। अभी समय लगने वाला है काफ़ी, क्योंकि ये मटन स्टो तैयार होने पे करीब 4 घंटे का समय लगता है भाई साहब। हाँ जी, टेस्ट तभी आता है, टेस्ट तभी आता है। ये भी प्याज पानी छोड़ेगा। हाँ, ये देखिए सर, पानी जो है छोड़ने लगा है, प्याज छोड़ने लगा है, और मसाला जो है इसी आंच पे धीरे 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 पकता रहेगा। हाँ, और जब ये पूरी तरह से पक जाएगा, हाँ जी, तब मटन का कलर चेंज हो जाएगा एकदम। अभी तो इस पर लास्ट में जब पकेगा तो इस पर पूरा रोगन आएगा। अच्छा, चलिए बढ़िया है। मैं भी मटन स्टो अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, अभी पका नहीं है तो ये कलर है, देखते रहिए। ये पीस का साइज देखिए सर, ये मसाला भुन गया है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे और साथ ही साथ पानी भी डाल देंगे। अच्छा, फिर ये आधे घंटे में लगभग तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। और इसमें साथ ही साथ हमने पानी भी डाल दिया। अच्छा, पानी पहले से गर्म कर लिया आपने? जी, गरम पानी डाला जा रहा है। अब ये मीट और पानी जो है साथ ही साथ पकेंगे। अच्छा, लगभग आधा घंटा और लगेगा अभी? हाँ, ये आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि अभी ग्रेवी जो है वो मसाले से अलग है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये जो आप रेड रेड देख रहे हैं, हाँ, यही रोगन है। अभी ये अभी पूरी तरह से आया नहीं है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आने लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा आने लगा है, अभी ये पूरा आ जाएगा इसको। अच्छा जी, चलिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ। हाँ, ये तो ये देखिए भाई साहब काफ़ी समय से बैठे हैं,
जो मटन स्टो खाने के लिए। और भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह है जी। आप कितने समय से आ रहे हैं यहाँ खाने के लिए? पिछले लगभग 2-2.5 महीने से। अच्छा। हाँ, मेरा आना हो ही जाता है सप्ताह में। अच्छा, इसका मतलब अच्छा ही स्वाद है? हाँ, बहुत ही बेहतरीन। पहली बार रुद्रपुर शहर में इतना बेहतरीन लजीज मटन का टेस्ट शायद पहले कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला जो यहाँ चंपारण मीट हाउस में हमें मिल रहा है जी। और आप देख रहे होंगे कि लोग आ रहे हैं, ऑर्डर देके जा रहे हैं कि भाई हमारे घर में पैक करके भेज दो। पूछ रहे हैं भैया कब तक तैयार हो जाएगा, कब तक तैयार हो जाएगा। और आप लगभग कितने देर से बैठे हैं? मुझे लगभग 2.25 घंटे। तो 2.25 घंटे से वेट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये 2.25 घंटे से भाई साहब वेट कर रहे हैं खाने के लिए। मटन पक चुका है। हाँ, पूरा 4 घंटे का समय लगा भाई साहब को जी। और अब ये मतलब परोसने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, खाने के लिए तैयार हैं जी। देखिए दोस्तों क्या कलर है, मज़ा आ गया। ठीक है, आप जल्दी जल्दी लगाइए। ये साथ में लहसुन है। ये दोस्तों तो आप खाने के लिए तैयार है, और देखते हैं कैसा बना है। और ये भाई साहब भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं खाने के लिए। मज़ा आ गया दोस्तों। इतनी देर तक इंतज़ार किया लेकिन उसका फल मिल गया। कैसा लगा भाई साहब, आप बताइए। क्वालिटी बहुत शानदार है चंपारण मीट की। अच्छा, बिल्कुल ये लगा लीजिए कि आप फुल पेट सभी टेस्ट जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। मटन का होना चाहिए। दोस्तों अभी गर्म है इसलिए थोड़ा सा चावल भी गर्म है। जो आपने इतनी देर तक इंतज़ार किया है उसके हिसाब से सन आपको बताया था, इसका भी अलग मज़ा है। गल गया बिल्कुल, गर्म है लेकिन दोस्तों खा के मज़ा आ गया, मेरा पेट फुल हो गया। बहुत जूसी था मटन स्टो। आपसे फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।